माइनर न्यूज के साथ मैं बाबर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आजाद कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई, कई मवेशी हलाक। सामान्य आजाद कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई, जिसने करीबी घर भी लपेट में ले लिया। पहाड़ों पर आग लगने के बायस कई मवेशी मर गए, जबकि फायर ब्रिगेड और मुकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब मानसेरा के बडवासी के जंगलात में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। इस आग से एक ही खानदान के 5 अफराद झुलस कर जख्मी हुए। कराची में 6 माह कबल हॉक्स बे पर लड़की को कत्ल करके दफनाने का इंकशाफ। कराची में 6 माह कबल हॉक्स बे पर लड़की को कत्ल करके दफनाने का इंकशाफ हो गया। 6 माह कबल दोस्त के साथ हॉक्स बे के हट पर जाने वाली लड़की को कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी पुलिस ने हट के मालिक वली मोहम्मद और मुलाजिम वली शाह को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर नदीम अकबर के मुताबिक मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि 6 माह कबल शरीफ खान नामी लड़का एक लड़की को हट पर लाया था। दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और लड़के ने लड़की को गले में फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान कुरैशी के मुताबिक हट मालिक ने मामला छुपाने के लिए लाश पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और दफना दी। दोनों मुलजिमान की निशानदेही पर लड़की की लाश की बाकियात निकाल ली गई। डीएनए की मदद से लड़की की शनाख्त की जा रही है, जबकि फरार होने वाला मुलजिम शरीफ खान की तलाश भी जारी है। ओआईसी का कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा पर इजहार तशवीश। ओआईसी ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा पर इजहार तशवीश किया। मुस्लिम ममालिक की आलमी तंजीम ने बयान में कहा कि भारत ने यासीन मलिक को झूठे मुकदमा में उम्र कैद की सजा सुनाई। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आजादी को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लोगों से इजहार यकजहती करते हैं। ओआईसी सेक्रेटरीट से जारी बयान में कहा गया है कि यासीन मलिक कई सालों से पुरअमन तहरीक आजादी चला रही हैं। भारतीय यासीन मलिक समेत तमाम गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मुंजिम जबर तसल्लुत को फौरी तौर पर बंद करे। इस्लामी ताउन तंजीम ने अकवामी मुत्तहदा करारदादों के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अस्तस्वाब राय का मुतालबा भी दोहरा दिया। रोजनामा अलिफ। इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। वजीर आला के पी का वजीर आजम और वजीर दाखला के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। कलाम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च में कारकुनों के कत्ल की FIR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज की जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि वज़ीर दाखला ने मेरे खिलाफ़ FIR दर्ज करवाई है, हुकूमत जितना भी तशद्दुद कर ले हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे लीडर इमरान खान दोबारा कॉल देंगे तो आवाम ज्यादा तादाद में निकलेगी। महमूद खान का कहना था कि कालाम में अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, जबकि कालाम गबराल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इलाके की तरक्की में संगे मैल साबित होगा। इमरान खान ने मुश्किल फैसले किए, IMF के सामने नहीं लेते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि इमरान खान ने मुश्किल फैसले किए और IMF के सामने नहीं लेते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल में असद उमर ने कहा कि उनसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही और रुपए की कदर गिरती जा रही है। सस्ती ना करें तो कम अज कम जिस रेट पर चीजें छोड़कर गए हैं उस पर तो रहने दें। असद उमर का कहना था कि करप्शन पर लेक्चर शहबाज शरीफ के मुंह से अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मजीद कहा कि शाही फरमान जारी करके पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ा दी गई। मुश्किल फैसले इमरान खान ने किए थे, IMF के सामने लेटे नहीं थे। इमरान खान ने कहा था कि अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, रूस से तेल लेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहेगा।